तो गाइस पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि फ्रैंकलिन जेल से भाग जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन अपने घर पे जब पहुंचता है उसको पता चलता है कि वो घर ऑलरेडी बेच चुका है शिनचैन। तो यार शिनचैन को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे यार फ्रैंकलिन भाग चुका है। तो यार तभी फ्रैंकलिन वहाँ पे पहुंच जाता है एंड शिनचैन को डांटने लगता है। एंड तभी शिनचैन बोलता है कि पुलिस आने वाली है और इसके गार्ड उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। तो पुलिस आ जाती है, फ्रैंकलिन जैसे तैसे भी करके शिनचैन को डरा के वहां से भाग जाता है। लेकिन वो जब भाग रहा होता है तो खाई में उसकी गाड़ी गिर जाती है, अचानक से फट जाती है। एंड फिर फ्रैंकलिन आ जाता है एक अजीब सी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर थे, लेकिन वहां पे एक दद्दू उनको मिलते हैं। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन की बात सुन के वो दद्दू उसको पावर दे देता है एंड फ्रैंकलिन को यार फिर से अपनी दुनिया में भेज देता है। तो यार फ्रैंकलिन जब आता है अपने पावर को टेस्ट करता है, देखता है कुछ जिस भी चीज को वो छूड़ा है गोल्ड में बदल रहा है एंड उसके पास मॉन्स्टर्स है एंड वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो गाइस आज वो मॉन्स्टर्स को लेकर शहर में आ रहा है एंड वो पावर को यूज करके क्या क्या करता है गाइस आज आप लोगों को देखना। तो गाइस यार अभी तो गाइस मजा आएगा। गाइस शिनचैन से मैं यार ऐसे बदला लूंगा ना कि वो भी चौक जाएगा एंड गाइस यार उसके साथ साथ जो भी होंगे एंड पुलिस वालों की तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। गाइस आप लोगों को तो पता ही है ना मेरे साथ मॉन्स्टर्स है। गाइस वो लोग कहाँ रह गए, अरे पीछे आ रहे, मेरे को रुक के जाना पड़ेगा। गाइस यार मजा बहुत आने वाला है, गाइस यार कितना ही मजा आएगा। गाइस यार मेरे को कल जो पावर मिला था ना उसको मैं आज सही से इस्तेमाल करूंगा, यार कितना ही मजा आएगा भाई साहब। चलो जल्दी जल्दी जाते हैं। ये देखो मैं ऑलमोस्ट तो पहुंच चुका हूँ, सामने वाले गेट से जा हुआ है पीछे वाले से, यार यहीं से जाता हूँ। अबे नहीं यार यहाँ पे तो यार पुलिस वाले हैं। ओह नो गाइस मैं तो सोच रहा हूँ मेरे को अभी यार जाना नहीं चाहिए, क्या कहते हो? नहीं यार मैं क्यों डर रहा हूँ भाई, मेरे को डरना नहीं है क्योंकि मेरे पास गाइस जादुई शक्तियां है ना। तो गाइस चलो यार देरी ना करते हुए हम लोग अभी यार जल्दी जल्दी जाते हैं। यार क्या ही करेंगे ये लोग पुलिस वाले, यार मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यार मेरे पास जो है ना गाइस यार किसी और के पास नहीं है। तो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं अभी। ए कौन है वेदु? कौन हूँ मैं? अबे भूल गए क्या, मैं फ्रैंकलिन। अबे हाँ, अबे इसने तो मेरे को मारा था। क्या मैंने मारा था? हाँ मैंने ही मारा था भाई, यहाँ पे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अबे तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे को पकड़ने के लिए लोग आया है। अरे हाँ जाके बता जल्दी जल्दी, यार ये फ्रैंकलिन का बच्चा आया है, पुलिस वाले इसको पकड़ के लेके जाएंगे, बस शांति मिल जाएगी। क्या मेरे को पकड़ने के लिए आया है ना? यार मेरे को सब कुछ पता है, यार मेरे को सब कुछ पता रहता है। अभी यार तुम लोग चौंकने वाले हो क्योंकि पता है क्या मेरे साथ कोई तो है। कौन है वो मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, देख के पता चल जाएगा। अरे कोई भी हो हम तो तेरे को पकड़वाएंगे और तेरे को मारेंगे भी, क्योंकि तूने मेरे को मारा था ना। अच्छा रुक जाओ, अरे वो रे वो लोग भी आ गए। अरे कौन आ गया, कौन आ गया देखने को मिलेगा। ये देखो अबे ये क्या है, क्या है ये? ये मेरे दोस्त है। अबे यही सब क्या है भाई, मेरे को कुछ मत कर यार। तेरे को कुछ मत करो? अच्छा तो फिर मैं अंदर जाता हूँ। हाँ भाई तू अंदर जा, अंदर जा। अरे बाप रे ये सब क्या है, आ जाओ इनको खाने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे को छोड़ दे भाई। अरे अगर कुछ खा ले तो भाई मेरे को नहीं प्रॉब्लम है भाई, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। अबे कहाँ घुसे जा रहे हो? ओ ये क्या है, अरे बाप रे ये तो मॉन्स्टर्स है। हाँ मॉन्स्टर्स ही है। और भाई क्या चल रहा है? अभी इसको पकड़ना है। अरे ये कौन आ गया? अरे लेकिन ये कौन है? अरे ये तो मॉन्स्टर्स लेके आया है। हाँ मॉन्स्टर लेके आयो, क्या हो गया? और भाई क्या हाल चाल है पुलिस वाले? हाल चाल तो ठीक है। अरे तुम लोग थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ, अगर कोई भी यार कुछ भी करे तो उनको खा लेना, ठीक है ना? अरे अरे सर जी ये सब क्या है? अरे हो सर जी ये क्या है, सर जी यहाँ से भागते हैं। अरे नहीं नहीं रुको यार, क्या हो गया फ्रैंकलिन, ये कहाँ से लेके आ गए तुम? ये सब कहाँ से लेके आ गए? अरे ये सब है कौन? ये मेरे दोस्त है। अब यार ये दोस्त है मतलब तू क्या इनकी तरह बन चुका है क्या? मैं इनकी तरह क्यों बनूंगा? अबे तू ज्यादा बोल रहा है, अभी यार तेरे को गायब करूं? यार ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कल भी बहुत ज्यादा बोल रहा था। एक काम करो भाई मॉन्स्टर इसको खा लो, ये जो सामने बुड्ढा खड़ा है ना इसको खा लो, इसको खा लोगे तो तुमको तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और सब कुछ को शांति भी मिल जाएगी। जल्दी जल्दी खा लो यार। अरे नहीं अरे मेरे को नहीं अरे नहीं नहीं नहीं। अरे वाह 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 बहुत बढ़िया किया है, पुलिस वालों के सामने तुमने उसको खिला दिया, उसको खाना बना दिया। अरे क्या हो गया तेरे को, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तेरे को भी क्या बोलूं मैं, तो उसको भी बोलूं क्या तेरे को खाने के लिए? अरे नहीं फ्रैंकलिन ऐसा मत करो यार, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ ठीक है ना? अरे नहीं नहीं रुको रुको, मेरे को तो आप लोगों से भी बात करनी है। अरे यार इसको हटा दो, मैं जाता हूँ। तू यहाँ से एक भी पैर हिला ना तो मैं तेरे को यार इसका खाना बना दूंगा। नहीं यार प्लीज नहीं यार ऐसा मत करो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो?
ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कोई भी यहाँ से हिला एक पैर भी तो मैं उसको इसका खाना बना दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि यार और भी यार बंदे यार यहाँ पे कोने में खड़े हो जाए, ठीक है ना? ज्यादा कोई अगर नकर चकर करेगा ना तो मैं उसको खाना बना दूंगा। सारे खड़े हो जाएंगे, कोई भी नहीं हिलेगा। हाँ अब ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि यार तुम लोग बहुत ज्यादा मतलब यार मेरे को परेशान कर रहे थे। पहली बात तो ये पुलिस वाले तुम लोगों ने मेरे को पकड़ा था और मैंने कुछ किया भी नहीं था। हाँ फ्रैंकलिन तूने कुछ नहीं किया, मैं मान लेता हूँ। अरे सब लोग मानते हो ना? हाँ सर मानते हैं। हाँ सर मानते हैं। अरे हाँ सर मैं तो मानता ही हूँ। अरे हाँ मैं तो मान ही लेता हूँ सर। अरे मान नहीं लेता हूँ, मैं सच्ची में कुछ नहीं किया था। तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरे को पकड़ के रखा था और मेरे को 2 महीने तक जेल में रख के थे और मेरे को सही से खाना भी नहीं देते थे। यार मैं तो मेरे को तो लगता है भी तुम लोगों को खाना बना ही देना चाहिए। खाना बना दो लेकिन मेरे को अपने साथ रख लो, मेरे को कुछ मत करो, ठीक है ना? क्या तेरे को अपने साथ रखो और इनको देख रहे हो सर जी? मतलब ये अभी ये पासा पलट रहा है, देख रहे हो? मैं तो देख ही रहा हूँ। मैं तो क्या कहता हूँ फ्रैंकलिन, मैं शिनचैन के बच्चे को पकड़ के लेके जाता हूँ। इसने तुम्हारा घर बेचा है ना? हाँ आपको कैसे पता? मेरे को पहले बोला था ना इसने, इसीलिए। अच्छा मतलब तुमको भी पता था। हाँ ये कर सकते हो, इसको लेके जाओ, ये मेरे परमिशन के बिना मेरा घर बेच रहा है। अरे मैं तो वो कर देता हूँ लेकिन हम लोग निकल सकते क्या? नहीं तुम लोग क्यों निकलोगे भाई, तुम लोग वेट करो यार थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ कि और भी 2-4 मॉन्स्टर यहाँ पे लेके खड़े कर दूँ। अरे क्या करना है उनके साथ? क्या करना है यार, तू अभी पूछ रहा क्या करना है? मैं कुछ भी करूँ तेरे को क्यों बताऊँ भाई? तुमको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं क्या बोल रहा फ्रैंकली भैया, हम दोनों एक साथ रहते ना तो तुम्हारे यार खर्चे की भी टेंशन नहीं होगी, मैं तुम्हारा खर्चा चला दूंगा। क्या मेरा खर्चा तू चलाएगा भाई, तू है कौन? हाँ मेरे पास पैसे है ना इसीलिए बोल रहा था, अगर तुमको नहीं चाहिए तो ठीक है। हाँ मेरे को तो तेरा कोई भी हेल्प नहीं चाहिए और मैं तेरे साथ क्यों रहने लगा भाई, देखेगा मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास बहुत चले मुझे पता है। नहीं नहीं मेरे पास क्या है देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ। ये देख मैं ये सारे को टच करता हूँ और क्या होता है देख। हाँ ये देख। अरे फ्रैंकलिन यार ये क्या है? क्या हो गया? मैंने हिलने मना किया था ना। अरे ठीक है माफ कर दो माफ कर दो, मैं सिर्फ ये देखने आया, ये क्या है? ये असल का सोना है। क्या असल का सोना है? कहाँ से लाए तुम? कहाँ से लाया क्या? ये मैंने अभी यार टच करके बनाया ना। अरे ये कैसे पॉसिबल है यार, असली में सोना तुम कहाँ से ला सकते हो? मैं कहाँ से ला सकता हूँ ये भी मेरे को तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं से भी लाऊँ तेरे को क्या करना है भाई? अरे ठीक है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हाँ यार फ्रैंकलिन कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो है, मैं क्या बता रहा हूँ यार, मेरे को अभी थोड़ी सी शांति चाहिए। तो एक काम करो, मैं तुम सारे पुलिस वालों को अभी छोड़ देता हूँ और मेरे को कभी किसी ने अगर परेशान किया ना तो ये देखो, सिर्फ ये दोनों नहीं कुछ और भी दिखाता हूँ, तो मेरे साथ में और भी 2-3 मॉन्स्टर्स आ जाए। तो ये देखो और भी मॉन्स्टर्स है मेरे पास, अगर तुम लोग यार मेरे को परेशान करोगे ना तो ये सारे मॉन्स्टर्स पूरे शहर में घूम घूम के तुम सबको खा लेंगे, ठीक है? अगर मैं बोलूंगा तो भी, अगर मेरे को कोई परेशान नहीं करोगे तो ठीक है, मैं भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो एक काम करो सारे पुलिस वाले से 3 गिनती पे निकल जाना। हम लोग निकल जाते हैं और शिनचैन के बच्चे को भी लेके जाते हैं। हाँ इसको भी लेके जाओ, मेरे को इसको देखना ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा मत करो यार, ऐसा करोगे तो बहुत ही बुरा होगा यार मेरे साथ। भाई तेरे साथ क्या हो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो मैं 3 गिनता हूँ तब तक तुम इसको लेके चले जाओ। नहीं यार ऐसा मत करो यार फ्रेंडली भैया, तुम ऐसा करोगे तो मैं आज जेल में सर के मरूंगा ना। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तूने मेरे को कल बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था याद है ना? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा ये सोना कहाँ से आ गया। ये सोना कहाँ से आ गया? मैं तेरे को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तूने जब मेरे को कल यहाँ से भगाया था ना, मतलब पुलिस वालों को बता के कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे साथ एक अनोखी चीज हुई और मैं एक जन से मिला, उन्होंने मेरे को एक विश दी जिसकी मदद से मैं किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता हूँ और ये सारे मॉन्स्टर उनके ही बनाए हुए हैं। अरे कौन है वो? उसको पकड़ के मैं जेल में भरूंगा। क्या क्या बोले, उसको पकड़ के जेल में भरोगे? अभी दाद लगता है तुमको गायब करना ही पड़ेगा। अभी यार ये पुलिस वाला लगता है बाद में प्रॉब्लम करेगा, तो क्या करते हैं मॉन्स्टर इसको भी खा लो। अरे अरे नहीं फ्रैंकलिन, अरे नहीं समझ कर यार पुलिस को मत खाओ। अरे यार क्या करो, अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया, ये सर जी को खा लिया इसने। अरे अरे हम लोगों को मत करो कुछ। एक काम करो तुम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो और हो सके तो इसको भी लेके जाओ। हम भी निकल गया। हाँ तुम लोग भी निकल सकते हो, तुम लोग अभी कोई काम नहीं है, अगर तुम लोगों को इनका खाना नहीं बनना है तो जल्दी जल्दी निकल जाओ। हम लोग अभी निकलते हैं। यार तेरे को भी खाना बनाना पड़ेगा, इनका खाना ही बना देता हूँ तेरे को। हाँ जल्दी जा, जल्दी लेके जाओ। 1, 2 और 3 भाई साहब 3 गिनने से पहले निकल गए, वाह अच्छी बात है।
सब लोग खाली हो गए यार, बाकी रह गई ये गार्ड। सर जी हम लोग क्या करें, हम लोग के निकले क्या? और हाँ सर जी, हम लोग निकल जाए क्या? नहीं नहीं, तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे लिए काम करोगे ठीक है ना, आज से तुम मेरे गार्ड बनोगे। हाँ सर जी ठीक है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स मैं चाहूंगा तो ये लोग अभी गायब हो जाएंगे। ठीक है सर जी, हम ये हमको नहीं खाएंगे ना। अरे मैं जब तक नहीं कहता ये किसी को नहीं छूते, तुम लोग इसको टच करके भी देख सकते हो। नहीं नहीं सर जी, नहीं नहीं। चलो ठीक है, एक एक यहाँ से सोने का बार उठाओ और मेरे लिए काम करने लग जाओ। सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे रहेंगे और मेरे इस घर की देखभाली करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि यार जल्दी जल्दी मैं कुछ और कर लेता हूँ, क्या करूँ मेरे को वो नहीं पता बस। तो चलो अभी यार यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। अरे सर जी अरे, ये हमको खाएंगे नहीं ना। अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा नहीं। तो चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ अभी यार, मेरे को बहुत ज्यादा काम है यार, मेरे को बहुत जगह पे जाना है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे ये गाड़ियाँ भी रहेगी भाई, तो मैं यहाँ से एक गाड़ी उठा लेता हूँ, इसको ही ले लेते हैं। तो गाइस ये देखो, ये गाड़ी को भी मैंने सोने में बदल दिया। अरे सॉरी माफ करना। चलो गाइस यार, ये गाड़ी को भी मैंने आज सोने में बदल दिया। एंड गाइस यार देख रहे हो मर्सिडीज एएमजी भाई साहब, वो भी सोने की। गाइस यार कितना मस्त लग रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ से मैं थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ। एंड उसके बाद क्या करते है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सिमेन के पास जाओ और सिमेन के पास जाके उसको भी ये वाला सरप्राइज दो और गाइस यार उसके साथ थोड़ी से बिजनेस कर लो, क्योंकि गाइस यार पैसे भी बनाने हैं ना। तो चलो अभी यार कपड़े वपड़े छोड़ो, जल्दी जल्दी सिमेन के पास जाते हैं, जाके थोड़ी से बिजनेस स्टॉक कर लेते हैं। एंड गाइस यार उसके साथ थोड़ी सी पैसों की बातचीत कर लेते हैं यार, पैसा ही पैसा होगा गाइस यार ये पावर के साथ। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं, जाके सिमेन के पास पैसों की बातचीत करते हैं और उसको थोड़ा अमीर बनाते हैं और खुद भी अमीर बनते हैं। तो तब तक आप लोग क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तो पहुंच रहा हूँ सिमेन के पास। तो गाइस यार मैं देखो सिमेन के शोरूम के सामने तो आ चुका हूँ, देखते हैं कौन सा नया चीज ये लेके आया है। जल्दी जल्दी चलते हैं यार। एक सेकंड भाई, इसका शोरूम क्या साफ सफाई हो रही है क्या? ये क्या हो गया, इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? गाड़ियां कहाँ हैं? क्या बात होगी, रुको 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 देखने दो। अरे भाई साहब मैं गिर गया। अरे यार ये क्या हो गया यार, सिमेन के शोरूम को क्या हो गया भाई? अरे यार देखो यार, तुम लोग संभल के काम करना बस। अभी यार मेरे को बस यहाँ से जाना है, अभी यार मैं यहाँ पे क्या ही करूँगा, मेरा तो सब कुछ चला गया है। अबे क्या हो गया? अरे क्या भाई, कौन भाई साहब, मेरे पास कुछ अभी बचा नहीं है, मेरे से छोड़ दो। अरे क्या हो गया सिमेन? अरे फ्रैंकलिन। अरे यार क्या हो गया भाई, कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या है? अरे भाई मैं अभी यार यहाँ से जा रहा हूँ भाई, मेरा तो शोरूम ही नहीं रहा। अरे क्या हो गया? अरे यार बता दी, वो एक अमीर बंदा था, उसने मेरे को यार मेरे नाम पे केस ठोक दिया। क्या भाई, किस बात का केस? अरे यार उसकी एक गाड़ी मैंने टाइम पे डिलीवर नहीं की, तो उसने झूठा मूठा केस जमा दिया और मेरा पूरा शोरूम चला गया। अच्छा ये बात है क्या, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? क्या बात कर रहा है, मेरी कैसे मदद करेगा? तेरी कैसे मदद करूँगा, ये मैं तेरे को अभी दिखा के ही बताता हूँ ना। अरे भाई देख, तू मदद के नाम पे यार पैसा मांग लेता है, उसके बाद तो यार वो रिटर्न नहीं करता। अरे यार तू टेंशन मत ले सिमेन, मैं तेरे से भी कोई पैसा नहीं मांगूंगा, उल्टा मैं तेरे को उससे भी ज्यादा दुगना तिगुना, उसके बाद मैं 100 गुना पैसा तेरे को दे दूंगा। अबे कैसे यार, तू पागल हो गया लगता है। पागल तो नहीं, लेकिन मैं जो दिखाऊंगा ये देखने के बाद तू जरूर पागल हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ। अरे सर जी हम लोगों को भी लेट हो रहा है ना। अबे तुम लोग चुप बैठो यार, मैं लेट हो रहा है, तुम लोगों को भी एक एक चीज दे दूंगा ठीक है ना। अरे क्या दिखाएगा बोल तो सही। अरे रुक जा, ये देख क्या होता है। अबे क्या कर रहा है, बक्सों को चूके। ये लो भाई काम हो गया। अबे ये क्या चीज है? क्या चीज है? अबे देख के पता नहीं चल रहा क्या यार, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ देख के जो लग रहा है ये क्या वही चीज है? हाँ देख के जो लग रहा है ये वही चीज ही होगा ना। अगर मैं तेरे को बोलूँ कि तू कौन है, तू यही बोलेगा ना, मैं देख के जो लग रहा है वही हूँ। अबे क्या पागल हो जैसी बातें कर रहा है। अबे यार ये अगर वो है तो मैं तो यार अमीर बन गया। हाँ हाँ अमीर ही बन गया। अरे बहुत सच्ची, ये तो जादू दिखा के कमाल ही कर दिया, क्या हमको भी मिलेगा ऐसा? हाँ तुमको भी मिलेगा, जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम अभी से यार सिमेन की मदद करो, ये सारी चीजों को अंदर ले आ जाने के लिए ठीक है ना। तो तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, और भी बना लेता हूँ, ये लो ये पकड़ो। अरे सर जी वाह वाह वाह, अरे सर जी इसमें से हम लोग एक ले ले क्या? हाँ एक एक करके सोने का बार ले लो। अबे यार फ्रैंकलिन ये तो बहुत ही कमाल का है, इससे तो मैं ऐसे 10-20 शोरूम खोल सकता हूँ। हाँ हाँ बस मजे कर, और मेरे को गिफ्ट देना मत भूलना, एक एक गाड़ी मेरे को भेज देना बस, हर एक शोरूम को लेकर, और एक मेरे को एक एक गाड़ी गिफ्ट में, वो भी यार सुपर कार। अरे तो टेंशन मत कर, एक दो भेजूंगा मैं तेरे को ठीक है यार, थैंक यू यार। हाँ ठीक है चल मैं चलता हूँ।
अबे वैसे कहाँ जा रहा है? और मेरे को ये सब तो बता के जा, ये कहाँ से मिला तेरे को? क्या कहाँ से मिला? ये कोई गिफ्ट थोड़ी ना है कि तेरे को मैं गिफ्ट में दे दूंगा या फिर मेरे को मिल गया है। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये तो पावर कहाँ से मिली तेरे को? ये मैं तेरे को कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी मेरे को थोड़ा सा काम है। अबे कहाँ जा रहा है, क्या काम है, बता के तो जा। अबे यार मैं बाद में बताऊंगा। वैसे यार तेरे को एक चीज बता दूं, शिनचैन का मैंने बैंड बजा दिया है। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, उसने मेरे साथ जो किया उसका तो यार इसको भुगतना ही था। तो चलो अभी यार हम लोग कहाँ जाते हैं? अभी हम लोग गाइस जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे अपना नया घर देखने के लिए। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ अपना पुराना घर का क्या, गाइस उसको भी तो चुराना है। हाँ गाइस वो भी चुरा लेंगे। चुरा लेंगे क्या मतलब, उन बॉडीगार्ड को भगाना है बस। अभी तो मेरे पास मॉन्स्टर्स है, बहुत मजा आएंगे। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं, अपना नया घर देखते हैं, उसके बाद अपना पुराना घर भी चुराने जाएंगे। तो तब तक क्या करो आप लोग, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस मैं जो आप लोगों को बता रहा था, जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ गाइस, वो यहाँ पे है। तो गाइस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन ड्राइविंग एकदम मस्त है मेरा। तो गाइस चलो जल्दी जल्दी जाकर आप लोगों को दिखा देंगे क्या है वो चीज। तो गाइस ये है वो चीज। ओए 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 ओए, नहीं 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 कोई बात नहीं, गाड़ी नीचे गिर गया लेकिन मैं नहीं गिरा। अभी यार मैं तो भाई नीचे गिरूंगा ही नहीं, मैं आप लोगों को चीज दिखाता हूँ। इसमें आप लोग अपना घर दिखाने के लिए आया था, लेकिन मैं तो उल्टा इधर गिर गया। कोई बात नहीं गाइस, सब कुछ चलता है, पानी में चला गया क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं आप लोग अपना घर दिखा देता हूँ। ऐसे तो गाड़ियाँ बहुत आती जाती रहेंगी, लेकिन गाइस सर घर तो बहुत कम ही मिलेगा। तो चलो मैं आप लोग अपना घर ही दिखा देता हूँ। अबे ये मेरे को नीचे लेके जा रहा है क्या? भाई साहब ये लहरों के साथ चलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं तो चल के दिखाऊंगा। तो चलो मैं पहुंच चुका हूँ। ये देखो गाइस, बस यहीं से ऊपर जाना है और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा ही देता हूँ इसके बाद। तो गाइस यहाँ पे बोट भी रखा हुआ है, लेकिन मैं तो बोट लाना भूल गया। तो ये रहा गाइस अपना एंट्रेंस। एंड गाइस यहाँ से घुसते देखो कैमरा वैमरा लगा हुआ है। और ये देखो गाइस, ये सबसे बेस्ट है भाई, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ गाइस, देख रहा हवा में तैर रहा हूँ। नहीं नहीं गाइस, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, देख के तो पता चल ही रहा है यहाँ पे क्या है। देखते हैं गाइस, ये देखो भाई साहब, अच्छा सा एक मतलब कैफेटेरिया टाइप का है। तो गाइस यहाँ से थोड़ी सी यार ड्रिंक पी लेते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो चलो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं एकदम ठंडा ठंडा। तो गाइस चलो ये कैन निकाला और इसको मैंने घटक लिया। तो चलो मस्त एकदम चिल हो गए। तो गाइस इधर क्या है, इधर जाके देखते हैं। ओके इधर है थिएटर गाइस, यहाँ पे हम लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे, मूवीज देखेंगे, मजे करेंगे पॉपकॉर्न के साथ। तो गाइस चलो दूसरी तरफ देखते हैं। ये वाले रूम से निकलने के बाद यहाँ पे एक और रूम है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ऑफिस है। ओके कूल ऑफिस है, बहुत ज्यादा ही कूल है। यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ये कोई काम का जगह है ही नहीं, यहाँ पे तो बेकार में टाइम वेस्ट होगा। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं। गाइस यहाँ से निकलने के बाद दूसरी तरफ भी एक गेट दिख रहा है, उस तरफ क्या है गाइस चलो जाके ही देख लेते हैं। ओके यहाँ पे बैलकनी टाइप है। ओके यहाँ से हेलीकॉप्टर के, अबे हेलीकॉप्टर की बात आई तो भाई यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी लेके आना पड़ेगा। लेकिन गाइस यार ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे चारों तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं। तो चलो अभी यहाँ से अंदर जाते हैं और देखते हैं इधर क्या है। ओके ये जगह भी मतलब यहाँ पे मुंह धोने का जगह है, तो ठीक है बस ये जगह तो काफी अच्छा है। लेकिन बाकी कहाँ है गाइस यार, ये जगह मतलब थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है बस, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि और ऊपर कहाँ से जाए, ऊपर जाने का गाइस यार रास्ता तो कहीं पे ना होगा। एक सेकेंड यार, मैंने तोड़ दिया क्या रास्ता? नहीं यार मैं क्यों रास्ता तोड़ूंगा। ओके गाइस देखते हैं ऊपर भी जाते हैं। तो गाइस यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये मैं कैसे मिस कर दिया। तो चलो ऊपर जाके भी देख लेते हैं ऊपर क्या क्या है। तो गाइस हम लोग तो ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे आते ही एक रूम दिख रहा है जो कि लगता है अपना चिलिंग रूम है। एंड यहाँ पे लगता है बेडरूम है। हाँ गाइस ये देखो, यहाँ पे यार उठते ही एकदम यार मस्त व्यू देख रहे हो, झरने का व्यू। एंड यहाँ पे क्या है, ओके ये हमारा वार्डरोब है और यहाँ से अपना आई थिंक बाथरूम है। एंड गाइस यहाँ पे काफी कूल चीजें भी रखी हुई है। लेकिन गाइस यार मेरे को वो नहीं जानना, मेरे को जानना है इस तरफ क्या है। गाइस यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। हाँ गाइस यार यहाँ पे भी कुछ है, लेकिन क्या है वो? अबे यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अबे क्या ऐसा जगह है, ये पूरा खाली है। गाइस साहब यार यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन क्या हो मुझे नहीं पता। लेकिन गाइस बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है,
बस ये जगह थोड़ा सा चेंज कर लो। बस चलो अपना यहाँ का तो हो चुका है। एंड गाइस मैं तो कहता हूँ कि गाइस आप लोग बताओ मेरे को कमेंट करके ये कैसा लगा आप लोगों को। ये जगह काफ़ी सही है गाइस, यहाँ का व्यू सबसे बेटर है। मेरे को लगता है कि गाइस यहाँ का व्यू यार कोई मतलब यार मैच ही नहीं कर सकता। तो चलो आप लोगों को ऊपर से भी दिखा देते हैं गाइस, यहाँ से आप लोग ऊपर का भी दिखाते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे हम लोग बोर्ड लेके भी जा सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी रखा हुआ है यार। तो गाइस अगर यार घर के व्यू की बात करें तो व्यू तो काफी कमाल का है। ये देखो गाइस घर कुछ इस तरीके का है। गाइस आप लोग बताना आप लोगों को घर कैसा लग रहा है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा है। गाइस ये देखो भाई क्या ही घर है भाई साहब, गाइस ओपी घर है, क्या कहते हो ओपी है ना गाइस। ये देखो भाई क्या क्या है। तो गाइस बस व्यू इतना ही था। गाइस आप लोग बताओ आप लोगों का घर कैसा लगा, अगर आप लोगों का घर अच्छा लगा है तो गाइस अगर मेरे को कमेंट में बताओ यार कितना अच्छा लगा है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा है। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। एंड गाइस यार मेरे को अभी जाना है गाइस यार अपना गाड़ी देखने के लिए, मेरा गाड़ी तो डूब गया भाई। दबे ये मेरा नहीं था, ये भाई दबे शिनचैन का था, तो मेरे को थोड़ी ना फर्क पड़ता है। अभी चलो यही बोट लेके जाते हैं एंड गाइस यार गाड़ी का जुगाड़ करते हैं यार। बाकी कुछ नहीं यार, पता नहीं यार मेरा गाड़ी कहाँ गया होगा यार, वो तो डूब गया। चलो कोई बात नहीं, सीमेंट के से यार और भी गाड़ी ले लेंगे। तो गाइस चलो मैं जब तक यार वहाँ पे पहुँचा तब तक यार आप लोग क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाइस यार अभी हम लोग जाएंगे अपना पुराना वाला घर छुड़ाने के लिए, उसके बाद जाएंगे यार कुछ और करने के लिए। तो गाइस चलो मैं जब तक पहुँचता हूँ तब तक आप लोग जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।